नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 13/12/2019 के लिए मैंने निफ्टी या बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करता हूँ। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को निफ्टी या बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। और मैंने बाय सेल लेवल का रिकमेंडेशन देता हूँ, इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। और जो बहुत सारा चीज़ मैंने स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स कैसे स्टॉक्स चुनता है, कैसे आप लोग स्ट्रैटेजी बहुत है, बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो आप लोग को 90% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट दे दिला सकता है। और भी बहुत सारा चीज़ सीखने के मिलेगा स्टॉक मार्केट के बारे में। तो इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोग इसका नोटिफिकेशन आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करना आसान हो जाएगा। तो देखिए, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन कल जो बोला थे मैंने कि इस लेवल पे ये जो इस लेवल का नीचे आया था, इस लेवल में ये आया था, उसके बाद कल थोड़ा सा ये रिट्रेस हुआ था, उसके बाद आज थोड़ा सा गैप अप होके ये इस लेवल में आया है। मतलब 12,000 का 8 में ऊपर हुआ था। मैंने बोला था कि कल जो PCR रेशियो 50 के आसपास आना चाहिए, तो 0.59 के जब आया तो इसके ऊपर ही कॉन्ट्राडेट लेकर ऊपर गया। मैंने ऑप्शन चेन बाद में बताता हूँ। तो देखिए, इस लेवल में जब ये आया है तो इसके बाद ये इस लेवल पे आने का चांस है। मतलब 12,040, उसके बाद 12,074, उसके बाद 12,150, उसके बाद वो 200 के ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल निफ्टी के बारे में ट्रेंड अभी तक नीचे ही है, उसका ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। एटलीस्ट इसका क्लोजिंग 12,010 के ऊपर या 12,020 के ऊपर इसका क्लोजिंग होना चाहिए, उसके बाद ही ये ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा कि वह ऊपर जाएगा। तो इसका चार्ट एक बार देखा, सॉरी ऑप्शन चेन एक बार देख लेता है निफ्टी का। मैंने 12 दिसंबर, ये मैंने 19 दिसंबर देखता हूँ। December, इसका PCR रेशियो पहले तो 1.30 हुआ है, ये 1.50 तक जा सकता है। लॉन्ग बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में, इसका रेजिस्टेंस है 12,100 में और पुट साइड में रेजिस्टेंस है 11,900 में। तो इधर भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, सॉरी इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और इधर जो ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, इधर चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी पुट साइड में ज़्यादा है। तो इधर शॉर्टिंग होगा, मतलब निफ्टी का ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तक निफ्टी डाउन ट्रेंड में ही है, उसका ऊपर जाने के लिए और भी थोड़ा सा ऊपर उसको क्लोजिंग देना पड़ेगा। तो इसमें बैंक निफ्टी का देखता हूँ, निफ्टी का प्रोबेबिलिटी एक बार देख लेता है। मैंने इधर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया हूँ 11,900 के। देखिए, ट्रेंड अभी तक डाउन में ही दिखा रहा है, तो इधर 11,900 के आसपास जाने का ही प्रोबेबिलिटी है। 7 दिन का एक्सपायरी है, मैंने टोटल एक्सपायरी का बात करना हो। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एक बार देख लेता है, इसमें नेट में प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें इन द मीन टाइम मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एक बार देख लेना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी का प्रोबेबिलिटी भी दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी का प्रोबेबिलिटी देखिए, 31,500 में इसका सपोर्ट है, 32,000 में रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी का अभी प्रोबेबिलिटी नीचे दिख रहा है।
प्रॉब्लम हो रहा है मेरा। हाँ, पीसीआर रेशियो बैंक निफ्टी का 1.35 हुआ है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है 32,000 में, इसका रेजिस्टेंस बना है और सपोर्ट बना है 31,500 में, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और इधर लॉन्ग बिल्डअप है कॉल वॉल साइड में, इंडिकेट कर रहा है ऊपर जाएगा 1.50 को तक, ये 32,000 का ऊपर 32,000 के ऊपर जा सकता है, लेकिन उसका जो चार्ट का जो पोजिशन है अभी तो आप लोग को दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये मेरा नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट में देखिए, ये इस लेवल का ऊपर मतलब 31,643 के ऊपर ये क्लोजिंग दिया है, 31,682 इसका 31,765 तक ये क्लोजिंग दिया है, तो इसमें ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और इधर इस लेवल का भी ऊपर गया चार्ट का जो सेटअप दिख रहा है उसमें भी अप ट्रेंड में जाने का प्रॉबिलिटी है, इस लेवल में 31,800 क्रॉस करेगा तो ये 32,000 का 32,100 तक जा सकता है, उसके बाद 32,500 तक भी जा सकता है, तो इसका लिए इसको इसके ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब 800 के ऊपर जाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अप ट्रेंड में ही दिखा रहा है, ऑप्शन चेन तो और प्रॉबिलिटी तो आप लोग को दिखा दिया, तो इसी ये चार्ट आप लोग फॉलो कर सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग रात में जो बाय सेल लेवल मैंने देता हूँ वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो उसमें से आप लोग को